यूपी से चलने का। कैसा रहा पेपर आपका? हाँ बताइए, पेपर लेवल, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था? फिजिक्स मॉडरेट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा? थोड़ा फिजिक्स की प्रॉब्लम है। और आपका खुद का कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था? बॉटनी। और वो कैसा रहा, क्या लग रहा है, स्कोर कैसा आएगा? दिया वैसा ही आएगा। चलो, क्या नाम है आपका? खुशबू। थैंक यू सो मच खुशबू, इट वॉज वेरी नाइस। मैम आप कहाँ से आए? कैसा रहा बेटा आपका एग्जाम? पेपर सही था, बायो थोड़ा टफ था। बायो आपको टफ लगा? वैसे ओवरऑल आपका प्रिपरेशन के हिसाब से आपको क्या लगा, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट थी, इजी थी? मॉडरेट था। फिजिक्स इस बार इजी थी। अच्छा। बट बायो टफ आया था इस बायो थोड़ा टफ लगा आपको। और आपकी प्रिपरेशन जैसी थी उस हिसाब से आपका पेपर कैसा गया? मुझे टाइम की भी थोड़ी कमी हुई है लास्ट में, इस वजह से मैं थोड़ी शिवर भी की हूँ। अच्छा। थोड़ा प्रेशर बन गया था टाइम को लेकर लास्ट में, बस बाकी सब। शायद अपने पेपर से? हाँ मॉडरेट। ओके। मैंने किया उतना, अगर सही आ जाए तो फिर ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? तान्या। पेपर कैसा, मतलब पेपर का लेवल क्या था, बस वो तब पूछना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या हार्ड रहा, कैसा रहा? पेपर कैसा लगा आपको? मतलब पेपर आसान था, पेपर बहुत आसान था। केमिस्ट्री हल्का सा ट्रिकी था, बट ऐसा कुछ नहीं था। बायो भी आसान था, स्टेटमेंट वाइज जैसे क्वेश्चन थे वो सारे आसान थे। ओके। और ओवरऑल अगर आप पेपर को रेट करोगे कैसा है, मॉडरेट है, हार्ड है? मॉडरेट, मतलब हार्ड भी नहीं कहेंगे और इजी ही कहेंगे, मॉडरेट ही। आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपका पेपर कैसा गया? नॉर्मल। नॉर्मल गया है। चलो, ऑल द बेस्ट। कहाँ से है बेटा आप? बिहार से। थैंक यू। अभी तक तो देख के लग रहा है वो ये है कि बायोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री जनरली लोगों ने ऐसा बोला कि उनका प्रिपरेशन कमजोर था, पर ज्यादातर बच्चों का फीडबैक यही आ रहा है कि एग्जाम लेवल मॉडरेट है। और अगर एग्जाम लेवल मॉडरेट है तो निश्चित रूप से कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। हाय, क्या नाम है बेटा आपका? शाजिया। कहाँ से आए हो आप? कोटा। कोटा के लोकल हो, छावनी से। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? मीडियम ही था। अच्छा, मीडियम था। आपकी प्रिपरेशन अच्छी आती थी हमेशा? हाँ अच्छी आती थी। ओके। आपके हिसाब से पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या इजी था? पढ़ने वालों के लिए तो इजी था और नहीं पढ़ने वालों के लिए था। आपके लिए कैसा था? मेरे लिए तो मीडियम ही था। मीडियम था। वैसे जनरली मेरे पास फीडबैक आ रहा है मॉडरेट था। कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा आपको? बायो लगा, केमिस्ट्री ज्यादा लगा। केमिस्ट्री आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा? अच्छा, बायो? बायो भी इजी था, बायो ज्यादा हार्ड नहीं। फिजिक्स सिंपल थी? हाँ फिजिक्स सिंपल थी, फिजिक्स तो। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है झारखंड से बेटी है और उनके पिताजी भी हैं। बेटा आप बताएं आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? इजी था। अपन अब केमिस्ट्री का मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि केमिस्ट्री में खुद अपना वीक लगता है, ऐसे इजी पेपर था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट ज्यादा कौन सा लगा आपको? मेरे को तो केमिस्ट्री लगा। केमिस्ट्री आपके खुद की प्रिपरेशन की वजह से या ओवरऑल? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको इस पेपर को मैं बोलूं कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो आप कैसे कैसे इसको बोलेंगे? डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं, इजी और मॉडरेट, मतलब मॉडरेट ठीक है। आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए रिजल्ट? सिलेक्शन का लग रहा है मेरे को, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का भी मैं नहीं बता सकती, हो जाएगा तो मेरे को नहीं पता क्योंकि एग्जाम टाइम में माइंड मेरा बहुत ज्यादा वो हो जाता है, डर जाता है। सर से भी पूछना चाहूंगा, सर कैसी थी आपकी बिटिया की प्रिपरेशन ओवरऑल पूरे साल? था तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। पिछले बार 532 आया था। अच्छा, तो ये रिपीट कर रही थी इस बार? रिपीट कर रही थी सर, हमने तो चाहा भी। 530 तो बहुत क्लोज है, अगर इसका थोड़ा भी है तो, और जैसा उसका लग रहा है मुझे, आई थिंक शी विल बी एबल टू कम इन। शी विल बी चाहा भी था कि कहीं एडमिशन ले ले, लेकिन तैयार नहीं भी, MBBS ही करेंगे ऐसा बोलती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, मैं आपसे मतलब शुभकामनाएं मेरी आपके लिए कि बच्चे का मेडिकल में इस बार गवर्नमेंट सीट मिल जाए। थैंक यू सो मच।